ये है एशियन 24 आवाज बदलते छत्तीसगढ़ की। एशियन 24 में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ मुकेश शर्मा। चलिए नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की खबरों पर। आम पंचायत पंडरी पानी में सरपंच चुनाव के दौरान दो पक्षों में हुए मारपीट व खूनी संघर्ष में रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसमें 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जो आज 4 साल बाद पुलिस थाना बिलेगढ़ पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिए हैं। वहीं पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बिलेगढ़ विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंडरी पानी में दिनांक 5/2/2015 को सरपंच चुनाव के दौरान दो पक्षों में नए सरपंच एवं पूर्व सरपंच के बीच विवाद पर खूनी संघर्ष हो गया था। रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिस पर सभी 10 आरोपी फरार चल रहे थे। वहीं फरार चल रहे आरोपियों ने पुलिस थाना बिलेगढ़ पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये ग्राम पंडरी पाली 2015 का घटना है। पंचायत चुनाव के समय ये सरपंच पद के हारने से इन लोगों ने, आरोपी लोगों ने उनके साथियों को हमला कर दिया था, जिसमें एक साहु परिवार का है मृत्यु हो गया। तब से 302 कायम है और ये लोग फरारी काट रहे थे। कल बातचीत हुआ था, हम लोग हमें उसके दे दिए। उस थाने से पूछताछ किया गया और 10 लोगों को गिरफ्तार किया। बिलाईगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट, एशियन 24।